नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा फ़ोन जो कि दुनिया भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अफोर्डेबल फ़ोन है और जो कि आता है एक भरोसेमंद ब्रांड के साथ जिसका नाम है नोकिया। जी हाँ, आज मैं करूँगा नोकिया की अनबॉक्सिंग और इस फ़ोन का नाम है नोकिया 105 और ये है इसका बॉक्स। फ्रंट में देखिए फ़ोन छपा हुआ है, फ़ोन का कलर पर्पल दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि इसका जो ये टॉक टाइम देता है मैक्सिमम 14.5 घंटे का टॉक टाइम या फिर 25.5 दिनों का स्टैंड बाय टाइम, मतलब इसकी बैटरी इतनी स्ट्रांग है। LED टॉर्च के साथ आता है, 1.77 इंच की डिस्प्ले है, 2000 कॉन्टैक्ट तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, FM रेडियो भी साथ में आता है और फ्री गेम्स भी आते हैं। ठीक है, अगर इसकी इसमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है तो बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एक फ़ोन है, एक बैटरी है, एक चार्जर है और एक यूज़र गाइड है। और इसका जो प्राइस लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है 1250 रुपये पर, यह आपको फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे 1100 रुपये तक के आसपास मिल जाएगा। अगर मैं इसके चार्जर की बात करता हूँ तो चार्जर जो है इसका सिर्फ 2 वाट का है। तो चलिए इसको खोलता हूँ। तो ये रहा, सबसे ऊपर फ़ोन ही रखा हुआ है। फ़ोन का कलर की बात करता हूँ तो फ़ोन का कलर दोस्तों ये ब्लैक है, जबकि बॉक्स के ऊपर पर्पल छपा हुआ था, पर चलिए कोई बात नहीं, ये ब्लैक कलर का फ़ोन है। अब इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और तो क्या और क्या क्या मिलता है। तो यह है इसका चार्जर जो कि हमने पढ़ा था, 2 वाट का चार्जर है। यह है इसकी बैटरी दोस्तों, इसकी बैटरी 800 mAh की बैटरी आती है इसमें। ठीक है, और यह है यूज़र गाइड पेपर वर्क, एक स्टैंडर्ड यूज़र गाइड है जो कि अगर आपको फ़ोन चलाना नहीं आता तो आप इसमें से पढ़ सकते हो, पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये है, ये फ़ोन है, इसमें फ़ोन में कीज़ है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस पे कीज़ पे टाइप करते हुए, क्योंकि आजकल सिर्फ स्मार्टफोन आते हैं कीलेस आते हैं तो कीज़ लग को प्रेस करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अगर मैं इसके पीछे की बात करता हूँ तो पीछे नोकिया का ब्रांड नेम छपा हुआ है, और फ्रंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर टॉर्च लगी दी गई है, 3.5 mm का हेडफोन जैक दे रखा है और यहाँ पे चार्जर लगाने के लिए USB टाइप ए का पोर्ट दे रखा है। यहाँ पर साइड में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही है, अब मैं इसको खोलता हूँ और इसकी बैटरी लगा देते हैं, सिम हम बाद में लगाएंगे, पहले बैटरी लगा के ऑन करके देख लेते हैं। ये लगाया बैटरी और ये हम इसको पुश करेंगे इस बटन को और फिर ये ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऑन हो गया और ये फ्रंट स्क्रीन में लिखा है नोकिया और एक ट्रेडिशनल नोकिया की रिंग टोन की जो आवाज़ है वो आई है। अब इसे सेटअप के लिए बोल रहे हैं तो लैंग्वेज मैं इंग्लिश कर देता हूँ और क्लॉक टाइम हम बाद में सेट कर लेंगे, बाकी सीधा मेन स्क्रीन पर आते हैं। तो ये है इसकी मेन स्क्रीन और मेन्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको मैसेज की फ़ीचर मिल जाता है, रेडियो मिल जाता है, टॉर्च मिल जाता है, गेम्स मिल जाते हैं, कैलेंडर मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है। तो देखिए कई तरह के गेम्स भी अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन दिख रहा है। 1.77 इंच की स्क्रीन है। तो अब इसको जब आगे जब मैं यूज़ करूँगा तो बताऊँगा कि ये कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है इस फ़ोन को यूज़ करके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।